तो यार हेलो गाइस, कैसे हो आप? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम जिस प्रॉब्लम की बात करने वाले हैं वो प्रॉब्लम 95% लोगों को हो रही है। काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि यार भाई, मैं जिस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करता हूँ तो वो एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हो रहा है, इंस्टॉल नहीं हो रहा है, जबकि मेरे पास नेटवर्क भी अच्छा खासा है। तो गाइस, मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ गाइस, है ना। अगर ये प्रॉब्लम आपके पास भी है तो आप सिंपल इस वीडियो को देखने के बाद अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो इजीली। बस आपको करना क्या है, वीडियो एंड तक देखना है। फटाफट सभी एक साथ मिलकर वीडियो को लाइक कर देना, और हमारी YouTube फैमिली से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सिलेक्ट करना। गाइस, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिंपली आपको छोटी सी ट्रिक को अप्लाई करना पड़ेगा, बहुत ही ईजी। आप ध्यान से वीडियो को देखो, आप सीख जाओगे। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको ऐप इन्फो पर क्लिक करना है। आप जैसे ही ऐप इन्फो पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने गूगल प्ले स्टोर की पूरी डिटेल आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नीचे तीन ऑप्शन दिखता है, फोर्स स्टॉप, अनइंस्टॉल अपडेट और क्लियर डेटा। अब गाइस, हो सकता है कि ये तीनों ऑप्शन आपके फ़ोन के ऊपर हो या फिर नीचे हो या राइट में हो या साइड में हो, बट कहीं ना कहीं आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो इजीली आपको क्लियर डेटा पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपको क्लियर चेस पे क्लिक करना है, ओके करना है। तो गाइस, क्लियर चेस करने से पता है क्या होगा, आपका जो प्ले स्टोर में जितना भी वायरस आ गया होगा, जितनी भी बेकार की फाइलें आ गई होंगी ना, वो सब रिमूव हो जाएगी और आपका जो प्ले स्टोर है पहले की तरह वर्क करने लगेगा। और दूसरी चीज़ क्या है, आपको पूरा क्लियर डेटा कर देना है। आपको सिंपली क्लियर डाटा पे क्लिक करना है, ओके करना है। पहले आपको क्लियर चेस करना है, उसके बाद क्लियर डेटा करना है। अब गाइस, यहाँ से देख सकते हो अनइंस्टॉल अपडेट का ऑप्शन आया है, आपको अनइंस्टॉल पे क्लिक करना है, ओके करना है। अब गाइस, ये इंस्टॉल हो चुका है, ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुका है। तो गाइस, अब सिंपली हम प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या फिर नहीं। तो सिंपली आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, लगभग पहले की तरह। आपको यहाँ पे कुछ भी सर्च करना है, आपको जो भी डाउनलोड करना है, जैसे मैं यहाँ से सर्च करता हूँ क्यूबी वीपीएन की, मुझे अभी ज़रूरत भी है इसलिए मैं इसको डाउनलोड भी करता हूँ और इसी बहाने आपको दिखा भी दूंगा। अब गाइस, यहाँ से मैं करता हूँ इंस्टॉल पे क्लिक। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद ये गया हमारा पेंडिंग, और पेंडिंग से डायरेक्टली इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। देख सकते हो गाइस, 57, 95, 96, 97, 98, 99, 100। तो यार गाइस, कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने छोटे भाई को प्यार और सपोर्ट देते रहिए। तो गाइस, बाय।